अस्सलामु अलैकुम फ्रेंड्स, हम अवार्ड स्पेस जो है उसको क्विकली रिव्यू करेंगे। उसका हम इसमें सीपी देखेंगे, उसका कंट्रोल पैनल देखेंगे, उसका डैशबोर्ड जो है तो और उसको कैसे यूज़ करते हैं, और यहाँ पे अकाउंट बना के गूगल या फेसबुक के साथ सोशल मीडिया या डायरेक्ट आप लॉग इन जिस तरह हम ईमेल एड्रेस बनाते हैं। तो उसके बाद हम देखेंगे कि लॉग इन करने के बाद हम उसके कंट्रोल पैनल को कैसे करते एक्सेस, और फिर वहाँ से हम जाके जो है आगे किस तरह से उसको हम उसके डैशबोर्ड को यूज़ करते हैं। और हम यहाँ पे देखेंगे कि जो हमारे पास अवार्ड स्पेस का जो डैशबोर्ड है उसमें हमारे पास ये जो सब चीज़ें भी हैं, वेबसाइट मैनेजर है, ईमेल मैनेजर वगैरह जो है, और डाटाबेस वहाँ से कैसे करते हैं, और फिर डैश करेंगे जो हमारी वेबसाइट बनाई होगी, सब डोमेन दी हुई होगी हमने, और फिर उसकी अगर डिफरेंट फाइलों को डिलीट वगैरह करने के जो ऑप्शन हैं, और उसके अलावा जब हम डिलीट करते हैं तो डायरेक्टरीज डिलीट नहीं हो रही, तो इसका मतलब है कि वो प्रोटेक्शन वगैरह जो उसकी, ये सारी चीज़ें हम देख रहे होंगे इसमें। तो ये सारी चीज़ों को हम क्विकली रिव्यू करेंगे इसमें कि ये किस तरह से जो है हम इसका वेबसाइट मैनेजर वगैरह चलाते हैं, और डोमेन वगैरह कहाँ से क्रिएट की जाती है, फिर डिलीट वगैरह करनी हो तो जो है कि कहाँ से करेंगे, तो ये हमें सारा जो है इस वीडियो में पता चलेगा। तो आइए चलते हैं। ये जो है कुछ तरीके पे व्हाट्सपेस प्लेटफॉर्म जो है लॉग इन किया, सही है। यहाँ से हम लॉग इन में चले जाएँ, पहले हमने देखे ये बनाने के लिए यहाँ पे गूगल से आप साइन इन कर ले सोशल मीडिया से, जिस ई मेल से आपने किया होगा उस पर ई मेल और पासवर्ड चला जाएगा, आपने आपको एक क्लाइंट आई डी और ई मेल जाएगा, तो आपने उसके बाद पासवर्ड चेंज कर लेना है। जो पासवर्ड मैंने चेंज किया था उससे मैं जो है ये देखे ई मेल और पासवर्ड देखे तो इसको लॉग इन कर लूँगा। सही है, जब मैंने इसको लॉग इन कर दिया तो ये यहाँ पे मुझे जो है अब अवार्ड स्पेस में लॉगिन करवा देगा। तो ये जो है ये हमने असल में फ्री होस्टिंग और डोमेन के लिए जो है इसको हम लॉगिन कर रहे हैं। यहाँ पे ये हमें सब डोमेन फ्री देगा, होस्टिंग देगा, वहाँ पे बैठ के हम अपना जो है वर्डप्रेस का आगे काम करेंगे। ये देखिए यहाँ पे इसके जो है हमारे पास डोमेन मैनेजर और वो फाइल इंस्टॉलर आ रहे हैं। तो इसको एक्सेस करने का दूसरा तरीका ये है कि होस्टिंग टूल्स में जाएँ ऊपर इसके मेन मेन्यू से, तो वहाँ से ये देखें यहाँ डोमेन वगैरह, यहाँ ईमेल अकाउंट्स वगैरह भी सारा ये मैनेजमेंट है, डेटाबेस वगैरह, लेकिन यहाँ पे ये जो है पेड है। अब हम यहाँ से आएंगे, हम मेन होस्ट डोमेन नहीं खरीद सकते, तो हमने सब डोमेन ये देखे बनाइए, सही है, जिस तरह सर ने तरीका बताया था, सही है। अब इसके साथ हम मज़ीद भी क्रिएट कर सकते हैं सब डोमेन, ये हम अगर इसको डिलीट वगैरह करना चाह रहे तो सिलेक्शन करनी पड़ती है। आप देखिए मैं डिलीट कर रहा हूँ तो ये डायरेक्टरी जो है प्रोटेक्टेड होती है, सही है, ताकि गलती से डिलीट ना हो। इसको डिलीट करने के लिए आपको मेन डैशबोर्ड पैनल में जाना पड़ता है और वहाँ से हम डिलीट कर सकते हैं, सही। तो ये देखिए मुख्तलिफ तरीके से इसको आपने जो है यहाँ पे ये इसकी सेटिंग्स वगैरह हैं, DNS यहाँ से इसका दे सकते हैं, पॉइंटर्स वगैरह, और ये जो है डिलीट सब डोमेन का ऑप्शन आ रहा है कि अगर कोई डोमेन आपने डिलीट करनी हो सब डोमेन यहाँ से, तो मैंने ये जो है सब डोमेन अब तक मैंने ये बनाई हुई है। तो अब इस जो है अवार्ड स्पेस का जो पैनल है इसमें देखिए कहाँ से हमने होस्ट और डोमेन यहाँ से करनी है, ये मेरी देखिए मेन डोमेन है, ये .com वाली है, सही है। अब इसका फॉर्मेट ठीक नहीं होगा तो वो अब मैंने ये देखिए मेडे जो है होस्ट डोमेन करूँगा, तो इसका भी क्योंकि ये मेन डोमेन मुझे फ्री नहीं देता, मैं क्रिएट न्यू फ्री सब डोमेन में जाऊँगा। अब यहाँ पर जाके मैं करूँगा माई प्रैक्टिस सेशन, तो देखें @@webpages.com ये देखें सब डोमेन जो सक्सेसफुली क्रिएट हो गई है। जैसे ही अच्छा ये सक्सेसफुली क्रिएट करता है ना, ये इसका डेटाबेस भी क्रिएट कर देता है, क्योंकि हम देखेंगे ये देखें। अब मैं फाइल मैनेजर में या यहाँ से जैपी ऐप इंस्टॉलर में जा सकता हूँ, जैकी जो यहाँ पे जो है हमें इंस्टॉल करने में मदद करेगा, या फिर दूसरा तरीका है यहाँ पे ये देखें, यहाँ पर ये सेम एक्सेस करने के मुख्तलिफ तरीके हैं, आप वहाँ से एक्सेस कर लें इसको जैकी टूल को, ये यहाँ से फिर आप वर्डप्रेस जो है इसमें आके इंस्टॉल कर सकते हैं, ये मुख्तलिफ जो भी प्लेटफॉर्म बने हुए हैं। तो ये वर्डप्रेस को जब इंस्टॉल करने लगा तो ये देखें ये हमें पहले दे रहा है कि चूज़ आ आपका नेम जो है ऊपर हम वो अपने रख लेंगे जो हमें याद रहे, सही है। क्योंकि अगर आप मेरी 2-3 पे काम कर रहे हैं, हमें पता हो कौन सी हमारी वेबसाइट कौन सी है ये, क्योंकि वहाँ पे उसकी हेडलाइन बनी आएगी। मैंने इसका नाम FFA एक्सपर्ट रखना को रख लिया, एडमिन और पासवर्ड और ईमेल, ये एडमिन पासवर्ड मुझे याद रखना है, यूज़र ने मेरा एडमिन है और पासवर्ड है। अब ये वर्डप्रेस जो है ये इसको इंस्टॉलेशन करेगा और ये वहाँ पे जो है ये अब ये क्या कर रहा है कि मेरी जो उसने मुझे दी है ना होस्टिंग स्पेस फ्री, उसके अंदर ये मेरा ये जो है वर्डप्रेस का कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम या प्लेटफॉर्म जो है इसको इंस्टॉल कर रहा है।
उस मेरी जो इससे मुझे वेब स्पेस दी और जो सब डोमेन मैंने ली है उसके ऊपर, जिसके ऊपर ये यहाँ पे लिखा रहा है मैंने इंस्टॉल किया है। अब ये मेरा जो इंस्टॉल होगा, ये मेरा इंस्टॉल होगा जो मैंने दूसरा एक डोमेन बनाया था। ये देखें यहाँ पे माई प्रैक्टिस सेशन एट वेब पेजिस डॉट कॉम स्लैश डब्ल्यू पी एडमिन, ये मेरा है वर्डप्रेस का एडमिन को एक्सेस करने के लिए, और ये ऊपर जो है मेरी वेबसाइट का एड्रेस इसने जो बनाया। तो ये इंफॉर्मेशन भी मैं सेव कर लेता हूँ, याद आना स्क्रीनशॉट मैंने लिया है शिफ्ट विंडो की और एस दबा के, सही है। लेकिन आप साथ क्या करें, इसको एज अ पिक्चर भी सेव कर लें ताकि आपको बाद में आइडिया रहे। लेकिन इसको क्या है कि कॉपी पेस्ट कर लेना है आपने, ताकि जो है टेक्स्ट के फॉर्म में ही हम सेव कर लेंगे। तो ये मैंने इसका स्क्रीनशॉट, आप तक मुझे भूलें ना, मैंने इसको सेव कर लिया इसकी इंफॉर्मेशन को। और साथ में क्या करूँगा, इसको टेक्स्ट इंफॉर्मेशन कॉपी करूँगा। अभी देखिए यहाँ पे जो है ना मेरे पास वो पासवर्ड और वो नहीं है जो मैंने दिया था लॉगिन, एडमिन मेरा लॉगिन था और पासवर्ड मैंने जो अपना रखा हुआ था उसकी मुझे एक ईमेल वैसे गई हुई है। वो अपने ईमेल एड्रेस में आप जाएंगे तो वहाँ पे आपको वो बता देगा कि आपका पासवर्ड और वो क्या है, सही है। ये देखें अब यहाँ पे आप जाएंगे तो ये यहाँ से ये एड्रेस पे क्लिक करेंगे तो ये देखें ये मेरी वेबसाइट आ गई जो मैंने बनाई है, सही है। वो मेरा जो है उसके साथ माई प्रैक्टिस सेशन। और अब दूसरा जो लिंक नीचे ये दिया हुआ है डब्ल्यू पी एडमिन का है, ये एस एफ पी एक्सपर्ट्स मेरा आ रहा है, सही है। अब देखें कि मेरा मेरी वेबसाइट का नाम एस एफ पी एक्सपर्ट्स है, लेकिन मेरा वहाँ पे ये आ रहा था एस एफ पी एक्सपर्ट्स पे, मेरे पास अभी कुछ इंस्टॉल नहीं है, ये मेरे पास अब इशू है, मैं मेरा जो है इंस्टॉल वो दूसरे पे हो गया हुआ, सही है। तो उसके लिए मसला है यहाँ पे मैंने एक दो वेबसाइट्स में बनाना चाहता हूँ, मैंने असल में दो रजिस्टर किए, मैंने एस एफ पी एक्सपर्ट्स मेरी है वेबसाइट का नाम फॉर एग्ज़ाम्पल, ये मैं कोई अपने प्रोफेशन की बनाना चाह रहा हूँ। लेकिन देखिए मेरा इसका जो ये जो आ रहा है ना, ये तो मेरा आ रहा है माई प्रैक्टिस सेशन। तो यहाँ पे अगर मुझे मेरा नाम मुझे ये पसंद था जो सब डोमेन मैंने ये भी रजिस्टर की थी, लेकिन इंस्टॉल वो उस पर हो गया हुआ, सही है। जो लेटेस्ट मैंने दिया, आप देखिए यहाँ जो एस एफ पी एक्सपर्ट्स जो है उस पर कुछ भी नहीं है। असल में ये क्या है, जब आप मल्टीपल सब डोमेन, क्योंकि ये डोमेन मैनेजर में आप गए, डोमेन मैनेजर में गए तो ये देखें आप जब डोमेन मैनेजर में जाते हैं तो देखिए आपने, मैंने माय प्रैक्टिस सेशन भी एक सब डोमेन ऐड किया था, एक ये मैंने सब एस एफ पी एक्सपर्ट्स मैंने किया था। तो जब मैंने वर्डप्रेस इस पर इंस्टॉल हुआ है, क्योंकि ये उस टाइम लेटेस्ट था, तो इस पर मैंने वर्डप्रेस इंस्टॉल किया है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं एक सब डोमेन क्रिएट करता हूँ कश्मीर डे 2022, सही है। अब देखें होगा क्या, ये मेरे पास आ जाएगा। अब इस पे मेरे पास अभी नहीं है, सही है, कश्मीर डे। अब मैं क्या मैंने किया है, जब मैंने वो वर्डप्रेस इंस्टॉल किया था तो ये अब मेरे पास देखें ये इतने हो गए, लेकिन ये मेरे को एक एग्जांपल था। तो अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं इनको डिलीट करना चाह रहा हूँ। तो ये यहाँ पर आप जाएँगे तो ये यहाँ से डिलीट सब डोमेन कर देंगे, यहाँ से ये देखें ये डिलीट सब डोमेन हो गया, सही है। इसी तरह मैंने क्योंकि एक रखना है तो मैं क्या करूँगा कि मैं जो है वो सब डोमेन जो है मैं डिलीट कर देता हूँ। अब इस पे मैंने वो इंस्टॉल किया हुआ था, ये देखें इस पे मेरे पास उसने मैसेज देना है क्योंकि मैंने इस पे वो किया हुआ था। अब ये इसमें जितनी चीज़ें हैं फाइलें वगैरह ये सारी डिलीट हो जाएंगी। अब ये देखें, अब मेरा ये इसका स्टेटस ये, और वो जो मैंने डिलीट किया है अभी माई प्रैक्टिस सेशन ये मेरा नहीं है, क्योंकि ये वहाँ से ख़त्म हो गया। अब मैं यहाँ पे क्या करूँगा, अब मेरे एस एफ पी एक्सपर्ट्स जो है जाकर इसको मैं ओपन करूँ वेबसाइट को, तो होगा क्या, इस पर ये आ रहा है कि पहले अभी हमने कंट्रोल पैनल सी पी ही नहीं इंस्टॉल किया। अब मैं अब देखिए अब आपको अब क्या करना है, हमें पहले ये डोमेन है मेरा, अब मैंने ये डोमेन में जाके इंस्टॉल करना है। तो काफ़ी तरीके हैं, डैशबोर्ड पे जाऊँ, सही है, और ये नीचे विजुअल डैशबोर्ड से जैकी ऐप इंस्टॉलर पे आ जाऊँ, या यहाँ होस्टिंग टूल से जाऊँ, यहाँ से जैकी ऐप इंस्टॉलर पे आ जाऊँ, और ये जैकी ऐप इंस्टॉलर पे जब मैं आऊँगा तो ये यहाँ पे आके ये देखिए एप्लीकेशन ब्राउज एंड इंस्टॉल मैं करूँगा। ये मेन इसके जो प्लेटफॉर्म है जिन पर ये इंस्टॉल करता है, वर्डप्रेस मैंने सेलेक्ट किया, प्रोसीड टू टू किया, सही है। अब क्योंकि मेरी वो जो है एस एफ पी एक्सपर्ट्स मेरी इंस्टॉल ये देगा, ये ख़रीद लो कर लो कुछ जो भी है, लेकिन मुझे क्या करना है, फ्री ही यूज़ करना है।
हाँ, अब देखिए हुआ क्या। अब ये मुझे कह रहे हैं कि जी आप ना एक डाटाबेस, असल में इसने क्या किया कि दो डाटाबेस ही आपको फ्री देता है। मैंने क्या किया था, मैंने जब की थी तो मैंने तीन डोमेन रजिस्टर्ड की थी, माई कश्मीर डे और सब डोमेन, और मैंने की थी माई प्रैक्टिस सेशन और मैंने ये। तो अब वो तीनों क्या है जो इसका माई एस क्यू एल का डाटाबेस है ना, उसमें जाके वो पड़ी हुई है। अब वो डाटाबेस क्योंकि मैंने यूटिलाइज कर लिए थे, अब जब तक मैं वो डाटाबेस नहीं करूँगा तो ये मुझे वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल नहीं करने देगा। ये देखिए ये मुझे ये मैसेज देगा। मुझे कैसे पता चला, ये देखिए इसने कहा कि यू नीड टू एक्चुअली वन डेटाबेस टू इंस्टॉल एंड रिप्लेस, प्लीज डिपलीट द डेटाबेस, क्योंकि वहाँ तीन हुए पड़े। अब मैं माई एस क्यू एल मैनेजर में जाऊँगा इसके। सही है, अब ये देखें यहाँ पे मेरे पास जो है माई डाटाबेस मैनेजर है, इसको मैं करूँगा तो इसको मैं डिलीट कर दूँगा। सही हो गया। अब हम जाते हैं, ये वर्डप्रेस का डाटाबेस था, अब मुझे जाके देखना पड़ेगा कि ये खुद करता है डाटाबेस वहाँ से जेपी इंस्टॉलर। मैं जाऊँगा ब्राउज करूँगा ऐप और ये वर्डप्रेस इंस्टॉल करने की कोशिश करूँगा। ये देखें होस्ट नेम जो है ये इस पे ये इंस्टॉल हो रही है मेरी, ये देखें अब इसने दे दिया। अब मैं अपनी वेबसाइट का नाम, ताकि मुझे पता हो कि मैं SAP एक्सपर्ट्स एडमिन है, पासवर्ड एडमिन के एडमिन ही रहने देते हैं, पासवर्ड आप वो लगाएं जो आपको याद रहे। और ये देखिए मैंने क्या किया, इंस्टॉल एप्लीकेशन कर ली। अब ये जो है वर्डप्रेस को इसका उस डेटाबेस क्रिएट कर देगा SAP एक्सपर्ट्स का, और उसके बाद आ जाएगा ये यहाँ पे इसकी फाइलें वगैरह डायरेक्टिव वगैरह बना लेगा। फिर उसके बाद ये ईमेल भी जो मैंने दिया हुआ ईमेल एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ है ये वाला, इस पे एक ईमेल भी भेज देगा, जो मैसेज ये मुझे देता है ना कि आपके लॉगिन और ये क्रेडेंशियल है, उसका एक मैसेज भी साथ जनरेट कर देगा ये यहाँ पे। तो ये वर्डप्रेस एसेंशियल्स 11 स्टेप हो गए, फिनिशिंग हो रहा है, तो ये एक दो मिनट में हो जाता है। अब ये क्या कर रहा है, ये वर्डप्रेस को मेरे वो जो खाली मैंने सब डोमेन और जो उसका मुझे उन्होंने दी हुई थी जितनी फ्री होस्टिंग स्पेस, उस पर ये सारी फाइलें और ये डायरेक्टिव बना के रख लेगा। अब ये देखिए उसने ईमेल वहाँ सेंड कर दी मेरे ईमेल एड्रेस पे, इस पर ईमेल आई होगी। सही है, और दूसरा ये चीज़ें ये मुझे चाहिए जो मेरी ईमेल एड्रेस का वो है, और ये मुझे चाहिए जो मेरा WP एडमिन इसका लॉगिन करने के लिए। तो ये जो है एक तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, शिफ्ट और विंडो की प्लस एस करें तो ये विंडो 10 में जो है ना स्क्रीनशॉट टूल आ जाता है। ये मैंने स्क्रीनशॉट ले लिया। सही है, अब लेकिन यहाँ से मुझे टाइप करना पड़ेगा, इसको मैं सेव कर लेता हूँ। सही है, ये मेरा वार्ड स्पेस लॉगिन फॉर्मेशन है। सही है, अब इसको मैं क्या करूँगा, वर्ड में भी कॉपी करके रख लेता हूँ नोट पैड में। तो उसके लिए मैं सिंपल इनको सेलेक्ट करता हूँ फॉर्मेशन को। अब देखिए यहाँ पे ये मुझे लिंक दे रहा है, पासवर्ड मुझे और अपना ईमेल एड्रेस तो बताए ना जिससे मैंने लॉगिन किया हुआ था। ये मैंने इसको यहाँ पे सेव कर लिया। अब देखिए मैंने क्या करना है, वेबसाइट खोलनी है तो ये लिंक मुझे चाहिए। सही, ये अब पहले वहाँ पे क्या था, अभी ये देखिए, हाँ आप देखिए उस पर वर्डप्रेस इंस्टॉल हो गया हुआ है। सही है, ये हेलो वर्ल्ड उसका सबसे पहला मैसेज होता है। और ये पहले क्या हो रहा था SAP एक्सपर्ट्स पे सी पैनल इंस्टॉल नहीं था, अब वहाँ पे सी पैनल में हमने वेब बिल्डर जो है वर्डप्रेस, हमने क्योंकि वो CMS है उससे हम कंटेंट मैनेज करेंगे तो हम वो लगाएंगे। सही है, तो ये हमने SAP एक्सपर्ट्स चला दिया। अब हमारे पास एडमिन में जाने के लिए दूसरा ये लिंक है यहाँ पे, जिस तरह ये जो मैंने ये कॉपी किया हुआ है। अब ये देखिए मैं ये करूँगा और इसका मैं यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, तो ये मुझे WP एडमिन में ये मुझे लॉगिन के लिए देगा। वर्डप्रेस का एडमिन है, मेरा यूज़र नेम एडमिन था, पासवर्ड मैंने जो लगाया हुआ था वो मुझे याद रखना है और रिमेंबर भी कर दूँगा, ताकि जब भी मैं इस एड्रेस पे जाऊँ तो मुझे दोबारा पासवर्ड ना लिखना पड़े अपने कंप्यूटर में एक बार बार काम करते हुए। ये देखें आप, ये अब जो है मुझे मेरी वेबसाइट के डैशबोर्ड में, अब ये डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का मेरी डोमेन के ऊपर। सही है,
मेरे काम करने के लिए, और ये है मेन जो होस्टिंग वेबसाइट होती है ये उसका जो है कंट्रोल पैनल है, सही है, और ये यहाँ पे जो है ये उसका डैशबोर्ड था, इनका डैशबोर्ड, सही है, वाट उसमें मुख्तलिफ चीज़ें जो भी इन्होंने ये सारी चीज़ें दी हुई हैं, यहाँ से मैं इनका डेटाबेस मैनेज कर लूँ, ये होस्टिंग सेटिंग्स पे चला जाऊँ कि जब हमने होस्टिंग खरीदी होगी, ख़रीद लेंगे अभी तो ये मेरी फ्री है, मैं मतलब होस्टिंग खरीद लेता हूँ मैं, फिर मैंने वहाँ से जाकर उसको कनेक्ट करना होता है, सही है, और ये उसका PHP के जो भी वो सपोर्ट करता है, यानी ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं, ये इसका डैशबोर्ड है वर्डप्रेस का, लेकिन हम सारा काम अब हमारा काम यहाँ पहुँच गया, ये हमारी वेबसाइट का एड्रेस है, ये अब ये हमारे पास आ गया हमारा डैशबोर्ड, अब इस डैशबोर्ड से जाके हम सारी तब्दीलियाँ कर सकते हैं, यहाँ पे प्लगइन आप पोस्टें कर सकते हैं, मीडिया पेजेस बना लेंगे हम, या न्यू पेज करूँगा मैं फॉर एग्ज़ाम्पल, तो ये देखें आगे, या अब वो वर्डप्रेस वाला काम शुरू हो जाएगा, नई पेज का नाम है अबाउट द कंपनी, सही, अब ये पेज जो है इसमें वही SFP एक्सपर्ट्स इंडस्ट्री लीडर्स टू प्रोवाइड एनालिसिस सर्विसेज व्हाटएवर, जो भी है आप यहाँ पे लिखेंगे, सही है, हेडिंग देखें जिस तरह भी पेज के शुरू में, अब हम इसको यहाँ से सेव ड्राफ्ट कर ले, पब्लिश नहीं करना, पब्लिश कर देंगे, अब मैं दिखाना ये चाह रहा हूँ कि ये किस तरह इसको किस तरह करता है, अब देखें ये हमारा परमालिंक बन गया, अबाउट दी कंपनी आ गया, अब ये देखें, अब ये ही मेरी वेबसाइट है, ये देखें, अब ये मेरे SFC एक्सपर्ट्स का मेन पेज आ गया, ये देखें, अब अबाउट कंपनी ये पेज आ गया, सही है, ये इसका सैम्पल पेज है जो उसने बनाया था, सही, अब ये मेरा है जो जिस तरह वेब नज़र आ रही है, सही है, अब मैं अपने क्योंकि ये पर सैम्पल पेज अगर मुझे नहीं चाहिए तो वही बात है, मैं यहाँ से जाऊँगा वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में जाया करूँगा, सही है, ये इसका डैशबोर्ड आ गया, जब मैं इसके डैशबोर्ड में जाऊँगा तो ये मुझे सारी काम करने की जो है ना डैशबोर्ड की जगह दिखाएगा, पेजेस में जाऊँगा तो ये पेजेस हैं, सही है, यहाँ पे मैं ऐड डिलीट पेजेस करूँगा, ये देखिए मैं सैम्पल पेज का जो पेज है ना मैं डिलीट करना चाहता हूँ, सही है, मैंने इसको सिलेक्ट किया, सही है, और इसको जो है मैं ट्रैश कर देता हूँ, ट्रैश में फेंक देता हूँ, सही है, मेरी वेबसाइट पर अब वही, ये देखिए ये है, तो इसको एडिट मैं करना चाहता हूँ, अगर इसको सेलेक्ट करके, सही है, इसका अबाउट दी कंपनी, इसके मतलब मैं SFP एक्सपर्ट्स इंट्रो इंडक्शन आ गया अगर, तो ये देखिए मैंने उसी पेज का नाम अपडेट कर दिया, अब अगर मेरी वेबसाइट देखेंगे आप जाके, हमारी ये वेबसाइट है, अभी देखें यहाँ पे कोई पेज ये मैंने बिल्कुल रिफ्रेश नहीं की थी, अब रिफ्रेश करूँगा, ये देखिए ये मेरी वेबसाइट है, ये मेरी SFP इंट्रोडक्शन एक पेज, वो सैम्पल पेज ख़त्म हो गया, ये भी हो गया, सही, अब बाकी यहाँ पे जितनी चीज़ें पोस्टें आती हैं तो वो वही बात है कि ये देखिए पेजेस यहाँ पे पेजेस हैं, फिर ये डैशबोर्ड से हम कमेंट्स वाली जगह पे, सही है, ये सारा कुछ मैनेज करने के लिए अपीरेंस, थीम की, थीम के कलर, थीम की मुख्तलिफ चीज़ें, ये देखें ये 2020 है, ये ना इसका 2022 था, अब ये अगर मैं थीम कर देता हूँ, सही है, ये इसका लाइव प्रीव्यू देख लेते हैं कि मेरी वेबसाइट पे किस तरह का लगेगा, ये समझ रहे हैं ना, अब मैं आपको डैशबोर्ड का सिर्फ बता रहा हूँ, और डेफिनेटली ये चीज़ें तो आगे चल के डिज़ाइन में, अब वर्डप्रेस का यहाँ से हम डेवलपमेंट शुरू करेंगे, इसमें हम क्यों गए थे, हमें कोई होस्टिंग सर्विस चाहिए, एक होस्ट हो, एक डोमेन नेम हो, इसमें हम अपना वर्डप्रेस का CMS सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लें, अब वो चीज़ हमारी हो गई, अब उसने हमें ये एक एड्रेस दे दिया और उस पर लॉगिन करने के लिए WP admin दे दिया कि जब भी हम इस पर जाएंगे तो यहाँ पे हमारी एक जगह बनी हुई है, एक एनवायरनमेंट बना हुआ है जिसमें हमारा वर्डप्रेस इंस्टॉल है, और ये हमारा वर्डप्रेस सब जो है हमारा डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म जो है वर्डप्रेस है, सही है, और फिर यहाँ से जो है हम इसको अब चेंज कर सकते हैं, सारा यहाँ से सेटिंग करेंगे, इसी तरह ये जो है ये टाइम ले रहा है लाइव प्रीव्यू, इसका लाइव प्रीव्यू करेंगे तो ये पहले हमें दिखा देगा कि किस तरह का पेज नज़र आएगा, ये जब लेटर ऑन हम डिज़ाइनिंग करेंगे, हम थीम्स वगैरह चेंज करते हैं तो मतलब हर थीम के हिसाब से ये दिखाएगा कौन सा थीम सूट करता है और कैसा थीम चाहिए, तो ये यहाँ पे जो है
ये SFP एक्सपर्ट्स, ये आप उसका लोड कर रहे हैं, सेटिंग्स कर रहा होता तो थोड़ा सा टाइम लेता है, तो इसको हमें ये दिखाएगा कि इसमें यहाँ पे इस तरह लिखाएगा, पेज का नाम यहाँ पे इस तरह होगा, तो यहाँ पे ये देखें, ये यहाँ पे नाम होगा वेबसाइट का, या उसके टैगलाइन होगी, यहाँ पे शील्डिंग फ्रॉम टैगलाइन है। अब यहाँ पे एक आइकन लगा दिया मैंने, ये देखें, फॉर एग्जाम्पल हमारे पास, मतलब जो भी आप जिस किस्म की वेबसाइट बना रहे हैं तो उसका सारे डाटा आपके पास होता है, यानी ये मेरी वेबसाइट अगर एक है तो उसका मैंने वो बना के रखा हुआ है लोगो, तो मैंने लोगो लगाना है, पीएनजी लोगो मैंने लगा ली, सही है, ये लोगो लग गया। अब मैंने इसका ये वो चीज़ें हैं, ऑल टैग्स, टाइटल, अगर आप ये इसमें जो भी लगा होगा SFP, ये SEO के पॉइंट से, ताकि कोई अगर सर्च करे तो कैप्शन SFP एक्सपर्ट्स आ गए, डिस्क्रिप्शन में स्मोक एंड फायर सर प्रोटेक्शन, मैं ये वैसे जो है कि यही जब चीज़ें हमें डिस्क्रिप्शन में होंगी तो ये मेटा डाटा और वो चीज़ें हो जाएंगी, तो जब भी कोई इसको करेगा सर्च तो ये फ़ायदा होगा हमें, तो ये चले, मतलब ये चीज़ें तो चल रही क्रॉम, सही है। और ये आ गया जी, हमें यहाँ पे ये देखिए टैगलाइन है, अब ये इसको एक्टिवेट एंड पब्लिश कर देंगे, तो अब मेरी जो वेबसाइट का है, यानी मैं करके आ रहा हूँ, मैं उसको यूज़ कर रहा हूँ, जो मेरा वो है, और ये मेरी अब इस तरह की वेबसाइट जो है वो बनेगी। अब ये देखिए, मैं इसको वेबसाइट को, ये मैंने थीम पहले इस तरह का आ रहा था, अब मैंने थीम चेंज किया, ये देखें, अब वेबसाइट से पहले लोगो आएगा, ये देखिए वेबसाइट के नाम से पहले यहाँ छोटा सा लोगो निशान बना हुआ, सही है, शील्डिंग फ्रॉम फायर एंड स्मोक बटन भी आ गया, उसका नाम आ गया, टैगलाइन मेरी, अब ये इस तरह की वेबसाइट बनी, सही है। तो ये चीज़ें अब मैंने जब भी जाना होगा, अब मैं यहाँ पर इसका ये रिव्यू कर लिया, अब मैंने यहाँ से जाके ये डैशबोर्ड में जाया करूँगा, डैशबोर्ड पे क्लिक करूँगा, सही है, ये मेरा एडमिन लॉगिन हुआ है, सही है, ये देखिए मैंने लॉगिन किया था यहाँ से, यहाँ से अब ये मेरे पास आ गया। अब इसी तरह अब हमारा जो है आगे अपीयरेंस वगैरह चेंज करने की, थीम के विजेट्स वगैरह, बैकग्राउंड वगैरह, जो भी उसके कलर्स या कोई चीज़, वो यहाँ से करेंगे हम। और मकसद ये है कि क्योंकि हम अपना कर रहे हैं ई कॉमर्स का हम काम कर रहे हैं, अगर कोई बैकग्राउंड इमेज लगाना है तो हम लगा सकते हैं, फॉर एग्जांपल मैं करंटली यही लगा देता हूँ, ये देखिए इस तरह की आ जाएगी, तो ये सही नहीं लग रही, तो मैं इसको कोई अपलोड करके तो आप लगा सकते हैं, यानी ये वो चीज़ें हैं जो आप फॉर एग्जांपल ये लगा देते हैं। अब देखिए ये पीछे इस तरह आ जाएगी, सही, तो ये चीज़ें हैं, मतलब ये तो हम डिपेंड करता है कलरिंग के हिसाब से करेंगे, तो ये फॉर एग्जांपल ये हो गया। तो अब मकसद ये है बताने का आपको, ये देखिए आप यहाँ देखते हैं कि हमने जो चेंजेस वगैरह की हैं, ये देखिए अब ये मेरी वेबसाइट इस तरह लग रही है जितना मैं कर रहा था डैशबोर्ड में, और जो हमारे लेक्चर के मुताबिक जो हमारा लर्निंग था, हमने वो ई कॉमर्स में जाना है, तो यहाँ पे प्लगइन जो है वो यहाँ से हम वो कॉमर्स का इंस्टॉल करेंगे, एड न्यू प्लगइन करेंगे यहाँ से, और यहाँ पे जो भी प्लगइन है उसको सर्च करेंगे, वो कॉमर्स जब करेंगे तो ये देखें, ये हमें प्लगइन जो है वो कॉमर्स का प्लगइन है, ये हम इंस्टॉल कर लेंगे ताकि हम जो है अपनी वेबसाइट में वो फीचर यूज़ कर सकें, सही है। और उसके अलावा यहाँ से यूज़र्स डिफरेंट टूल्स हैं, सही है, यूज़र्स मैनेज करने, अगर कोई और भी मतलब दो तीन बंदे मिल गया इसको चला रहे हैं, अब ये देखिए ये इंस्टॉल हो गया, इसको एक्टिवेट करना, सही है, प्लगइन को ये जो है वो कॉमर्स का प्लगइन आ जाएगा, प्लगइन ये देखें यहाँ पे प्लगइन और भी इंस्टॉल हुए हुए थे, सही है, प्लगइन हम इंस्टॉल करते हैं, फिर जो इसके साथ सर्विस हमें देते हैं, इंस्टॉल प्लगइन में जाएंगे तो ये वो कॉमर्स आ गया यहाँ पे, सही
सही है। और इसी तरह यूज़र्स होगा, टूल्स होंगे, ऑल इन वन वर्डप्रेस माइग्रेशन करनी हो वेबसाइट की, कहीं पे सेटिंग्स आ जाएंगी रिलेटेड मुख्तलिफ वेबसाइट से, इसमें कि इसका ये देखें ये सारा इसका टैगलाइन और ये यहाँ पे दिखा रहा है सब्सक्राइब, और फिर उसके बाद इसमें यूटीसी टाइम जोन देखें मेरा चेंज में, तो मुझे पता है मैं गल्फ़ पाकिस्तान एरिया में हूँ, तो मैं वो कर दूँगा ताकि मेरी वेबसाइट का टाइम उसी तरह नज़र आए सारी दुनिया में। तो ये मैं डेट का फॉर्मेट टाइम पे ये सारी चीज़ें जो हैं ये सारी यहाँ से सेटिंग से कंट्रोल होंगी मुख्तलिफ। तो ये जो है इस तरह से फिर हम जो है क्या करते हैं वार्ड स्पेस में जाके हमने क्या किया था कि यहाँ से हमने होस्टिंग डोमेन मैनेजर या फाइल मैनेजर से आपके डोमेन मैनेजर में गए और यहाँ से हमने ये जो है इसका डोमेन मैनेजर था और वहाँ से हमने डोमेन रजिस्टर कर ली, ये है ये यहाँ से आप कर लें एक्सेस इसको, सही है। सब डोमेन एक हमने क्रिएट कर ली, दूसरी भी कर सकते हैं फ्री में, जो भी नाम वहाँ से चेंज करना है। फिर यहाँ से ही हमने जाके इसके जैकी ऐप इंस्टॉलर से जाके वो किया इसका इंस्टॉल वर्डप्रेस सीएसएमएस, जब वो कर लिया तो उसके बाद हमारी ये गेम शुरू हो गई है। अब हमने वर्डप्रेस में इंस्टॉल उसमें एडमिन और पास लॉगिन कर लिया ईमेल और एडमिन से, सही है। तो उसके बाद हम अब यहाँ पे जो है अपने डैशबोर्ड पे काम करेंगे, प्लगइन इंस्टॉल करके अपीयरेंस वगैरह पोस्ट वगैरह बनाएंगे, पेजेस बनाएंगे प्रोडक्ट्स वगैरह लगाने के लिए, और ये सारी चीज़ें अब हम जो है वर्डप्रेस आगे इसको हम डेवलपमेंट करते रहेंगे वर्डप्रेस में विदाउट कोडिंग, ज़्यादा जो है ये नियरली होता रहता है। तो ये जो है कुछ शॉर्ट सा क्विक क्विक इंट्रोडक्शन। थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।